बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया गया है 30 जुलाई 2023 नू, जिस ते ऑब्जेक्शन भी कुछ स्टूडेंट्स ने लगाए हैं, उस तो बाद उस दी लाइट विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रिवीजन करेगी कि जेड़े आंसर की दे चेंजेस होने वाले ने उन्हां विच कीता जाएगा, ते उस तो बाद रिजल्ट डिस्प्ले होएगा। रिजल्ट किस दिन डिस्प्ले होएगा? 8 अगस्त 2023 ट्यूजडे शाम 5 बजे। सो रिजल्ट दे डिस्प्ले होने तो बाद की होना है, नैक्सट वीडियो विच मैं डिटेल दस दिना हाँ कि टोटल प्रोसीजर की होना है, काउंसलिंग की होंगी है, तुहाडा रोल की है। इस वीडियो विच भी थोड़ा जिहा ये दस दें कि अल्टीमेट एम तुहाडा गवर्नमेंट जॉब लेना है, और गवर्नमेंट जॉब दे विच तुहाडे कई चैलेंजेस है, हो सकता तुहाडे सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन दा TET एडिशनल एग्जाम सिलेक्शन टेस्ट, इस ते मैं बाद विच तुहानू नाल नाल गाइड करदा हाँ। सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन इस स्टेज ते, क्योंकि हुण रिजल्ट आने वाला है, सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन जिहड़ा तुसी मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेना है। सो क्योंकि मेजर सब्जेक्ट ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने देना है, तुसी मेजर फिल करना है, माइनर जिहड़ा है कॉलेज तो तुहानू मिलना है, इस दे बाद विच गल करदा हाँ। सो ये जान लो कि मेजर सब्जेक्ट तुहानू केड़ा फिल करना चाहिए है, अपने कॉम्बीनेशन ते तुसी क्वेश्चन कर सकते हो। 8-9 तरीक तक मैं तुहाडे कॉम्बीनेशन दे मैक्सिमम जो जवाब है वह देवांगा। कारण यह है कि जे गवर्नमेंट जॉब च पहुँचना है, जे ये रोंग सिलेक्शन हो जाती है, तुसी कॉलेज सही नू प्रैफर करके सब्जेक्ट रोंग सिलेक्ट कर लेंदे हाँ, तो तुसी गवर्नमेंट जॉब तक पहुँचद्या नू 1 साल वध लग सकता है, 1-1.5 साल वध लग सकता है। सो अपनी क्वारीज, अपने जे भी कोई क्वारी है सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन रिगार्डिंग, जो सब्जेक्ट तुसी पढ़े हुए है, जे तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है जिन्हां विच जनरल इंग्लिश जनरल पंजाबी है, तो नाल तुसी इलैक्टिव सब्जेक्ट जिहड़े भी पढ़े है वह सारे दसो, पोस्ट ग्रैजुएशन कादे च कीती है वह जरूर दसो, नाल अपनी एसपीरेशन दसो कि पोस्ट ग्रैजुएशन कादे विच करना चाहते हो, जे दस सकते हो यह भी दसो कि इंट्रस्ट तुहाडा की बनन च है, TGT PGT ते किहड़े सब्जेक्ट विच है। सो उस गाइडेंस लई मैं अगले दिनां विच तुहाडे नाल हाँ। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह।